आईपीएल 2021 के दूसरे भाग में कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस आरसीबी के बीच कल यानी कि 20 सितंबर को मुकाबला खेला जाएगा और क्या होने वाली है टीम आरसीबी की मोस्ट प्रोबेबल प्लेइंग 11 केकेआर के खिलाफ, आज की शुरू में मैं आप सभी को बताऊंगा। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और अगर दोस्तों आप भी हो टीम आरसीबी के फैन और चाहते हो टीम आरसीबी की हर एक छोटी बड़ी खबर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आप लोग दबाइए ताकि आप सभी को आरसीबी की टीम की सारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। अब दोस्तों इस वीडियो को अभी के मैदान पर मैच खेला जाने वाला है जिसमें आरसीबी की टीम हम सभी को ब्लू जर्सी में दिखाई देने वाली है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के हम प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं और आरसीबी से हम सभी को ओपनिंग करते हुए और कोई नहीं बल्कि देवदत्त पटेकल और विराट कोहली नजर आने वाले हैं। आईपीएल 2020 से ही आरसीबी की टीम के लिए दो खिलाड़ी ओपनिंग कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दोनों ही खिलाड़ी की तरफ से निकल के आ रही है। तो दोस्तों कल यानी कि केकेआर के खिलाफ ये दो खिलाड़ी हम सभी को ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। अब हम नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर आरसीबी की टीम थोड़ा फंस जाती है, जहाँ पे आरसीबी की टीम के पास रजत पाटीदार, साथ में दोस्तों यहाँ पे केएस भारत और मोहम्मद अजहरुद्दीन, तीन बड़े ऑप्शन मौजूद है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे ख्याल से केएस भारत और रजत पाटीदार में से कोई हम सभी को एक नजर आने वाला है और रिसेंट फॉर्म की बात करें तो केएस भारत के ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं। तो नंबर 3 पे दोस्तों यहाँ पे केएस भारत, नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पे द बिग शो ग्लेन मैक्सवेल और नंबर 5 पे एबी डिविलियर्स हम सभी को नजर आएंगे। अब दोस्तों नंबर 6 की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आरसीबी की टीम किसी फिनिशर को खिलाना चाहेगी और आरसीबी टीम के पास टिम डेविड एक इनफॉर्म बल्लेबाज मौजूद है जो कि अभी सीपीएल में बहुत ही ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए आ रहे हैं। सीपीएल में नंबर 3 पे ये सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे, लेकिन अगर इनको टीम में लिया तो वनिंदु हसरंगा को टीम से बाहर करना पड़ेगा जो कि दोस्तों मुझे ऐसा नहीं लगता आरसीबी की टीम करेगी। तो दोस्तों नंबर 6 पे यहाँ पे मोहम्मद अजहरुद्दीन मेरे हिसाब से नजर आएंगे और नंबर 7 पे वनिंदु हसरंगा हम सभी को टीम आरसीबी से नजर आने वाले हैं। नंबर 8 पे काइल जेमिसन हम सभी को नजर आएंगे जो कि आरसीबी की टीम के चौथे विदेशी खिलाड़ी बनेंगे। नंबर 9 पे पर्पल कैप होल्डर हर्षल पटेल और नंबर 10 पे मोहम्मद सिराज, नंबर 11 पे यूजी चहल। तो ये दोस्तों मेरे हिसाब से केकेआर के खिलाफ आरसीबी की प्लेइंग 11 हो सकती है। इस प्लेइंग 11 में दोस्तों 5 क्वालिटी गेंदबाज मौजूद है, हसरंगा, जमीसन, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज और यूजी चहल, ये 5 गेंदबाज मौजूद है। इनके अलावा ग्लेन मैक्सवेल भी थोड़ी बहुत गेंदबाजी कर लेते हैं। तो टोटल 6 ऑप्शन आरसीबी की टीम के पास बॉलिंग के रहेंगे और शाहबाज अहमद एक नाम जरूर है, लेकिन दोस्तों अगर वनिंदु हसरंगा, यूजी चहल खेलते हैं तो यहाँ पे शाहबाज अहमद के खेलने के बहुत ही कम चांस हो जाते हैं और हसरंगा को तो यहाँ पे प्लेइंग 11 में मौका देना चाहिए क्योंकि दोस्तों एक ऐसे गेंदबाज है जो कि दोस्तों यहाँ पे पूरा गेम पलट सकते हैं और गेम चेंजर ये माने जाते हैं, इसीलिए दोस्तों इनको यहाँ पे मौका मिलेगा। तो ये दोस्तों मेरे हिसाब से आरसीबी की प्लेइंग 11 होने वाली है। आप दोस्तों इस प्लेइंग 11 से एग्री करते हो या नहीं आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, साथ में आपके हिसाब से क्या आरसीबी की टीम की प्लेइंग 11 होने वाली है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए।